हेलो आप सभी को गुड मॉर्निंग और आज हम क्या बनाने वाले हैं तो एकदम इजी सा लेकिन जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होता है तो बस उसी से आज हम एक रेसिपी बनाएंगे स्नैक्स की रेसिपी जो कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कितने अच्छे अच्छे शेप दिए हैं उसको आज तो चलिए चलते हैं किचन में और बच्चों का फेवरेट बनाते हैं स्नैक्स तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आज की रेसिपी है एकदम खस्ता कुरकुरी स्नैक्स बनाएंगे हम ये देखिए ये थोड़े से मैंने बनाए हैं हर्ट शेप के और इसको हम इस तरह से बीच से खोलेंगे तो ये एकदम परफेक्ट दिखेगा और ये देखिए ये काजू के शेप के बनाए हैं और ये भी बिल्कुल काजू की तरह इस तरह से अच्छी तरह से निकल जाएगा तो ये देखिए दो लेयर्स और ये नॉर्मल लंबे साइज़ का तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटा या मैदा आप कुछ भी ले सकते हैं तो दो कप लेंगे यहाँ पे मैंने मैदे का यूज़ किया है तो दो कप हमने मैदा लिया है कोई भी कटोरी या एक बाउल ले लीजिए और से सब उसी से दोनों कप भी ले लीजिए और पानी भी उसी से ले लीजिएगा और यहाँ पे देखिए अजवाइन लिया है तो ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन से बहुत ही अच्छे से पचता है खाना और टेस्ट भी अच्छा आता है और ये मैंने लिए नमक तो नमक आप हल्का खाते होंगे या फिर नॉर्मल तो मैंने एक छोटा चम्मच जो कि एकदम परफेक्ट रहेगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ अजवाइन और नमक को तो अजवाइन और नमक मिक्स होने के बाद मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है जो पूरी वगैरह तलने में हम यूज़ करते हैं विदाउट फ्लेवर वाला तो दो टेबल स्पून ऑयल इसमें दो कप है तो मिक्स कर देंगे एक नॉर्मल कटोरी के साइज़ का से दो कटोरी लेते हैं तो भी दो चम्मच ऑयल डाले तो हो जाता है और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे जब तक कि तेल के साथ मैदा जो है वो अच्छी तरह से हर जगह अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तो दो तीन मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालने वाले हैं सोडा तो सोडा जो है वो तीन से चार चुटकी जो बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा तीन से चार चुटकी काफ़ी है इसके लिए और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे तो बस इससे ज़्यादा अब हमको कुछ नहीं मिक्स करना है पानी से हम आटे की तरह इसको गूँथ लेंगे तो धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और गूँथते जाएंगे तो पानी जो है हमारा दो कप आटे में आधा कप से दो टेबल स्पून एक्स्ट्रा लगाया है ये देखिए ये मैंने आधे कप लिया था वो लग गया अभी दो स्पून एक्स्ट्रा डाल रही हूँ दो टेबल स्पून तो बस इतने में हमारा दो कप मैदा है जो है वो अच्छी तरह से गुद गया है थोड़ा सा टाइट ही रहेगा मैदा जिससे कि हमारा स्नैक्स जो है वो खास्ता बनेगा और अच्छी तरह से इसको मसलते हुए आटे की तरह गूद कर इसको ढक के छोड़ देंगे लगभग दस मिनट अच्छी तरह से आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है सेट हो चुका है तो अब इसकी गोलियाँ कट कर लेंगे हम बड़े बड़े और इसको हम अब बेलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है आटे का यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है ऑयल से ही हम बेल लेंगे लगा कर इससे क्या होगा कि हमारा तेल जो है वो काला नहीं पड़ेगा और दो रोटियों के जैसा बेलने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से स्टिक कर देंगे तो दोनों रोटियों को चिपका दिया है मैंने और अब हम वापस इसको बेलना शुरू करेंगे थोड़ा बड़ा करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए एक रोटी के जितना इतना भी पतला नहीं करना है बहुत ज़्यादा और एकदम मोटा भी नहीं नॉर्मल जो एक रोटी रखते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा मोटा रख सकते हैं तो चलिए पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि एक नॉर्मल थिकनेस का आ जाए अभी ज़्यादा मोटा है दो रोटिक की वजह से अब हम इसको क्या करेंगे अपने मनपसंद शेप में कट कर देंगे तो ये मैंने हॉट शेप का कटर लिया है कुकी कटर तो सबसे स्मॉल साइज़ वाले कुकी कटर से कट कर रही हूँ तो मैंने तीन शेप के बनाए हैं तो ये हॉट शेप वाला कुकी कटर है तो पहले इसे कट कर लेते हैं और ये देखिए इसमें मेरी बेटी हेल्प कर रही है उसको भी मन था कि मम्मा मैं भी थोड़ा सा कट करूँगी मैंने बोला ठीक है पहले तुम कट कर लो फिर मैं करूँगी और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे हर्ट के रेडी हो चुके हैं तो अब सेम प्रोसेस से मैंने दो रोटी को चिपका लिया है तेल की सहायता से बेल कर और इसको भी अब हम बड़ा कर लेंगे और अब हम ये नोज़ल जो केक बनाने वाला नोजल होता है ना उसका यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह आप ढक्कन का भी कोई भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं राउंड शेप का और ये देखिए इस तरह से आधे जो भी ढक्कन लेंगे या नोज़ल लेंगे आधे से कट करना है इसको तो इस तरह का काजू जैसा इसका शेप आ जाएगा पहला वाला तो उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि कॉर्नर रहता है रोटी का पर दूसरे वाले जब कट करेंगे ना दूसरे और उसके बाद जो भी सारे काजू के शेप के परफेक्ट निकलेंगे इस तरह से तो अब इस तरह से आधा आधा नोजल को रखते हुए हम कट कर लेंगे और ये काजू का शेप बन जाएगा इस तरह से और ये देखिए ये थोड़े से मैंने कट कर लिए हैं इनको मैं पास से आपको दिखा देती हूँ ये देखिए एकदम परफेक्ट काजू वाला सेप आया है और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल बीच से खुलेगा क्योंकि दो रोटियों को हमने चिपका कर किया है और ये देखिए आ गई फिर से हमारी बेटी लंबे वाले कट करने के लिए और यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं हॉट शेप वाला फ्राई कर रही हूँ और एक एक करके साड़ी को फ्राई कर लेंगे कितना अच्छा दिख रहा है ना रेडीमेड स्नैक्स के जैसा तो इसलिए आप घर पे बना सकते हैं अगर आपको मैदा से ना बनाना हो तो आप आटा का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सब लोग तो मैदा खाना पसंद भी नहीं करते हैं लेकिन हाँ ये है कि मैदा का थोड़ा अच्छा दिखेगा और ये देखिए यहाँ पे हर्ट शेप का मैंने छाना है सेम प्रोसेस से बाकी सब भी कर लेंगे एक राउंड हो चुका है हमारा और यहाँ पे मेरे तीनों शेप के जो स्नैक्स हैं नमकीन वो बन के रेडी हो चुके हैं ये रहा हार्ट शेप का और इसको मैं ये देखिए खोल कर दिखाती हूँ दो रोटी को जोड़ने से क्या हुआ फ़ायदा और ये देखिए ये बिल्कुल काजू कैसा सा दिख रहा है ये देखिए और थोड़े से मैंने लंबे वाले शेप के भी बनाए हैं तो परफेक्ट स्नैक्स